Hi guys, wish you a very good morning. This is Ayushi Joshi and you are watching me on Achieve IAS. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली बेसिस पे द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस करते हैं और उसके आर्टिकल्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है. तो दिस इज़ स्पेशली इन हिंदी फॉर ऑल दोज एक्सपीरियंस जिन्हें जो है हिंदी और इंग्लिश लेवल पे प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश लैंग्वेज को कंसिडर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उन्हीं के लिए मैं ये हिंदू एडिटोरियल को हिंदी में डिकोड करके लेकर आई हूँ. ठीक है, सो आज मैं आपके लिए 20 अप्रैल 2020 का मतलब टुडेज़ जो आर्टिकल है, जितने भी आर्टिकल्स हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के, उन्हें यहाँ पर डिस्कस करूँगी, कोशिश करूँगी कि इस तरीके से उसे डिकोड किया जाए कि आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाए. ठीक है, ब्रीफली मैं उन आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करूँगी जो आपकी किसी ना किसी वे में आपके लिए यूज़फुल है, चाहे एग्ज़ाम को ले लो और चाहे अंडरस्टैंडिंग या थॉट प्रोसेस को ले लो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ एडिटोरियल सेक्शन. हाँ जी, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फोकस ऑन दी कर्व. फोकस ऑन दी कर्व क्या है? देखिए, अभी रिसेंटली जैसा हम जानते हैं लॉकडाउन का दौर चल रहा है, वी आर सफरिंग विथ लॉकडाउन. इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइसिस को देख रहे हैं हम लोग. तो जैसा कि रिड्यूसिंग द पेस ऑफ न्यू इन्फेक्शंस डिपेंड्स ऑन लोकेटिंग हॉटस्पॉट्स थ्रू एक्यूरेट डेटा. अब इस एडिटोरियल के थ्रू या इस आर्टिकल के थ्रू व्हाट एडिटर वांट्स टू डिस्क्राइब कि अगर एक्यूरेट डेटा को कंसीडर करके कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जो है जो केसेस क्लियर हो रहे हैं या हम कह सकते हैं जो कि चेकआउट हो रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है, उसके बेसिस पे एक्यूरेट डेटा को कंसीडर करते हुए नॉर्मलाइज किया जा सकता है चीज़ों को. ठीक है, तो अब हमें देखो एक कर्व सा बन गया है, एक कर्व है जैसे इकोनॉमिक कर्व्स हम देखते हैं, तो इस तरीके से एक कर्व है जो कि इकोनॉमिकली बिल्कुल डाउन जा चुका है. और ये जो कोविड-19 के मामलों की हम बात करें तो इस मामले में कर्व एकदम अपग्रेड हो रहा है ना, बढ़ता चला जा रहा है. तो उस कर्व को फ्लैटन करने के लिए क्या क्या ऐसे मापदंड अपनाए जा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है. एज इंडिया प्रिपेयर्स टू पार्शियली रिलैक्स द नेशनल लॉकडाउन फॉर कोविड-19 इन जोन्स दैट डू नॉट हैव हाई कंसर्न फ्रॉम अप्रैल 20th. ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अप्रैल अभी 3 मई तक लॉकडाउन कर बढ़ा दिया गया है और उसी के साथ में 20 अप्रैल से जो है एक नया जोन स्टार्ट कर दिया जाएगा, एक नया टाइम पीरियड स्टार्ट कर दिया जाएगा जिसके तहत कुछ एरियाज़ को पार्शियली जो है ओपन कर दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा. अब इस समय हमारा अटेंशन पूरी तरीके से ये है कि हम इस कर्व को सक्सेसफुली फ्लैटन कर सकें. इसका रीज़न क्या है? देखिए, इस फ्लैटन करने का मतलब है कि इकोनॉमी को वापस बूस्ट अप करने के लिए, इकोनॉमी को वापस अपने लेवल पे लाने के लिए हमने ये स्टेप उठाया है. तो इकोनॉमी को वापस अपने लाइन पे लाने के लिए हमने जो लॉकडाउन के लिए रिलैक्सेशन दिया है, और तो उसके साथ ही हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हमें किस तरीके से बढ़ते हुए कोविड-19 के केसेस को भी कंसीडर करना है. ठीक है, अब कुछ एविडेंस ऐसे हमने देखे हैं पिछले रिपोर्ट्स के बेसिस पर कि लास्ट 48 आवर साइकिल के अंदर, जो कि 17 अप्रैल को एंड हुई है, ग्रोथ जो है टोटल केसेस के अंदर वो थोड़ी सी कम हुई है. इट मीन्स वी कैन से कि इट इज़ गोइंग 16% वर्सेस 28%. ये एक कंपैरिजन पीरियड रहा है ग्रोथ रेट का कोविड-19 से रिलेटेड, है ना. तो दीज डेटा एंड अदर इंडिकेटिंग अ स्लोइंग पेस ऑफ केस डबलिंग must be viewed against the backdrop of vastly different testing rates among the states. अब ये जो डेटा ये शो करते हैं कि केसेस जो है काफ़ी लेवल पे डबल होते चले जा रहे हैं, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें पीछे रह रही है जिसके कारण या तो टेस्टिंग नहीं हो पा रही है. और टेस्टिंग रेट्स को अगर बढ़ा दिया जाता है, देखिए कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ टेस्ट कम हो रहे हैं, लेकिन जहाँ कम हो रहे हैं वहाँ मैक्सिमम केसेज़ आ रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं केसेज़ वहाँ पर मिनिमम केसेज़ आ रहे हैं. तो हमें इसको इक्वलाइज करना होगा. जैसा कि आपको सबको पता है कि दिल्ली जो है बहुत रैम्प अप किया है उसने पर मिलियन पीपल की टेस्टिंग के अंदर, और इवन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस भी वहीं पे देखने को मिले हैं। जबकि उसी का कंपैरिजन अगर वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश से किया जाए तो वहाँ पर कुछ टेस्ट हुए हैं और उसके अलावा येट फाइंड अ हायर शेयर ऑफ पॉजिटिव केसेस। दिल्ली में मैक्सिमम वो होते हुए भी काफ़ी परसेंटेज हायर परसेंटेज मिला है हमें पॉजिटिव केसेस का, जबकि वेस्ट बंगाल और एमपी के अंदर उसके कंपैरिजन में जो कम टेस्ट हुए हैं, मतलब कुछ ही टेस्ट होने के बावजूद भी वहाँ पे हायर केसेस देखने को मिले हैं। सो केरला हैज़ मैनेज, जबकि केरला के अंदर टेस्ट ट्रेस क्वारंटाइन और ट्रीट इफेक्टिवली सब, मतलब सारी चीज़ों को ट्रीटमेंट भी हो रहा है वहाँ पे, टेस्ट भी हो रहे हैं वहाँ, ट्रेसिंग भी हो रही है वहाँ, क्वारंटाइन भी हो रहा है, जो सारी चीज़ें हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी सारे मापदंड अपनाए जा रहे हैं ना। और बिल्कुल पॉजिटिवली जो है केरला अपने आप को शो कर रहा है कि येस वी आर गोइंग, इकोनॉमिकली भी वो अच्छे से शो कर रहा है खुद को और अर्बनाइजेशन के बेसिस पर भी शो कर रहा है। द हाइएस्ट प्रेवलेंस कैन बी मैप्ड टू स्टेट्स विथ हाई इकोनॉमिक आउटपुट और सिग्निफिकेंट अर्बनाइजेशन। अब दो चीज़ें डिपेंड करती है, या तो हाई इकोनॉमिक आउटपुट के बेसिस पे बात कर लें या फिर सिग्निफिकेंट अर्बनाइजेशन पे। तो ये दो चीज़ें मिला के स्टेट को मैप करती है कि वो किस पोजिशन पर खड़ा है ना। तो और बोथ सच एज महाराष्ट्र, दिल्ली एंड तमिलनाडु। और अगर बात करें कि महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु की, तो वो दोनों ही क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़ रही। तो या तो आप दोनों क्षेत्रों को कंपैरेटिवली मतलब साथ में लेकर चलो कि इकोनॉमिक सेक्टर और अर्बनाइजेशन दोनों को साथ में लेकर चलना है, लोगों की हेल्थ एंड इकोनॉमिक सेक्टर दोनों को मेजरली पैरेलली लेकर चलना है। और दूसरी तरफ हमें ये देखना है कि या तो हम इकोनॉमिक आउटपुट पर ध्यान देंगे या अर्बनाइजेशन के ऊपर। So other factors may be deriving up case numbers in Madhya Pradesh, Gujarat, Telangana, Rajasthan, Uttar Pradesh एंड जम्मू कश्मीर। इसके अलावा अगर दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो कंटिन्यू इन स्टेट्स के अंदर जो अभी बताया है मैंने आपको, एमपी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं ना। तो मोस्ट रिसेंट जो ICMR का डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग 2154 केसेज जो है 18 अप्रैल को रिसेंटली देखे गए हैं। एक ही दिन में एकदम से इतना बूस्ट अप हो गई केसेस, है ना। सो देयर आर क्लियर पॉइंटर्स फॉर द सेंटर एंड स्टेट एज दे ट्राई टू रिकंसाइल पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक मेजर्स टू एलिवेट द डीप डिस्ट्रेस एंड डैमेज कॉज्ड टू मिलियंस। तो सेंटर और स्टेट्स के लिए एक बहुत क्लियर संकेत है उनके लिए कि उन्हें ट्राई करना पड़ेगा पब्लिक हेल्थ को और इकोनॉमिक मेजर्स को साथ में लेते हुए इस दौर से गुजरने के लिए, है ना। क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल का जो एक कह सकते हैं वो डैमेज भी हो रहे हैं, इकोनॉमिकली भी डैमेज हो रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में भी डैमेज हो रहे हैं। तो सेंटर हैव टू गो थ्रू बोथ द एस्पेक्ट ऑफ इट गिवन द अनसर्टेनिटीज सराउंडिंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ सार्स कोविड-2 on people, including medical outcomes for those who have recovered from severe infection। तो इस severe infection अभी हमने ये भी देखा है कि काफ़ी long term effects देखने को मिले हैं uncertainties के कारण, इंक्लूडिंग मेडिकल आउटकम्स। मेडिकल आउटकम्स को देखते हुए उन सारे लोगों में जो कि सीवियरली इन्फेक्टेड थे, है ना। सो इंडिया की कोविड-19 की जो स्ट्रेटजी है उसको कहाँ फोकस करना पड़ेगा, टेस्टिंग, कंटेनमेंट एंड ट्रीटमेंट सभी को एक तरफ लेकर, और इसके अलावा वल्नरेबल सेक्शंस या ऑन दी अदर, है ना। सो डिस्ट्रेस एलिवेशन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन ऑन दी अदर। उसे क्या करना पड़ेगा, देखो एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी हमें, उसके अकॉर्डिंग हमें टेस्टिंग को, कंटेनमेंट्स को, ट्रीटमेंट्स को एक साथ पैरेलली रन अप करना पड़ेगा। उसी के साथ में हमें वल्नरेबल सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए ये गौर करना पड़ेगा कि इकोनॉमिकल, ठीक है, हम इकोनॉमिकल पोर्शन को लेकर आते हैं सामने, हम इकोनॉमी बहुत डाउन चली जा रही, इसीलिए हमने पार्शियली ओपन करने के कुछ डिसीजंस लिए हैं। तो ये जो एक लिया गया है डिसीजन, हमें इसको पैरेलली रन अप करना पड़ेगा। As the disease has demonstrated once again, जैसे ही एक बार फिर ये जो बीमारी है ये बड़ी, pandemics have the ability to क्विकली एक्सपोज अंडरलाइंग इनइक्वालिटीज़। पेंडेमिक्स में इतनी एबिलिटी होती है कि वो ईजीली जो है सारी इनइक्वालिटीज़ को अंडरलाई कर सकते हैं। सो From a medical perspective, it has laid bare in the inadequacy of public health system to roll out enough test in all states. तो ये लोगों का मेडिकल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो मेडिकल पर्सपेक्टिव के बेसिस पे हमें हाई लेवल पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बेसिस पे टेस्ट को स्टार्ट करना होगा, टेस्ट करने होंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स. ओके, इनफ टेस्ट तो रोल आउट करने ही होंगे हमें टू डिटरमाइन वेयर कंटेनमेंट मेजर्स वुड अचीव द बेस्ट आउटकम्स. तो ये इससे ये डिटरमाइन होगा कि कहाँ पे हमें जो हम कंटेनमेंट के जो मेजर्स फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे मेजर आउटपुट्स कहाँ मिलते हैं, हमें बेस्ट आउटकम्स कहाँ मिलते हैं. तो देखिए, जहाँ पर भी हम ये टेस्ट करेंगे और हमें पता चलता है कि हॉटस्पॉट के बेसिस पर हमें अपने कंटेनमेंट्स को फॉलो करना होगा. हमने जो रिलैक्सेशन दिया है, गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशन दिया है 20 अप्रैल से, उसे तभी कंसीडर किया जा सकता है जब हमें ये क्लियर हो कि कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हमें इसे फॉलो करना चाहिए और कौन से ऐसे हैं जहाँ पे इसे फॉलो करने से मैक्सिमम लेवल पे ये चीज़. अच्छा, अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा एरिया ऐसा है इंडिया का, कौन सा स्टेट ऐसा है, कौन सा यूटी ऐसा है जहाँ पर हमें इम्पोज करने की, ये गाइडलाइंस इम्पोज करने की ज़रूरत है और कहाँ पर नहीं है. तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर हर डिपार्टमेंट को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये आगे अगर देखते हैं हम लोग, लुकिंग अहेड द नीड फॉर टेस्टिंग कैन ओनली ग्रो व्हेन अ फेज्ड एग्जिट स्ट्रैटेजी इज अटेम्प्टेड. एक स्ट्रैटेजी एग्जिट जो है इस फेज से बाहर निकलने की एक स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो किया जाता है तो डेफिनेटली हमें ये टेस्टिंग के थ्रू फॉलो करना होगा. एक अगर हम बहुत अच्छे से टेस्टिंग कर लेते हैं सब जगह पे तो हमें पता चल जाएगा, एक्यूरेसी आएगी कि भाई कितने लोग जो है या कितने स्टेट्स या यूटीज ऐसे हैं जो मैक्सिमम लेवल पे सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से. उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक एग्जिट स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं और उस एग्जिट स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के साथ ही हम इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को भी कवर कर सकते हैं. ठीक है, द टेस्टिंग डेटा जनरेटेड बाय ऑल लेबोरेटरी शुड बी कंप्लीट एंड शेयर्ड इन रियल टाइम ट्रांसपेरेंटली. तो जो टेस्टिंग डेटा जनरेट किया जा रहा है लेबोरेटरीज द्वारा, पहली बात तो वो कंप्लीट होना चाहिए, है ना, मतलब मैक्सिमम लेवल पे कंप्लीट डेटा होना चाहिए और उसे टाइम टू टाइम शेयर किया जाना चाहिए बाय द सेंटर टू एड पॉलिसी मेकर. जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ में शेयर होना चाहिए और ये काम सेंटर कर सकता है ना, सेंटर करेगा उस काम को. एज साइकोलॉजिस्ट आर पॉइंटिंग आउट द रिस्पॉन्स टू HIV, जैसा कि साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि HIV का भी 2 दशक पहले तक HIV का जो एक बड़ा भयावह रूप सामने आया था, एक ड्रामेटिक रूप आया था, तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए पीपल्स में एक बहुत लोगों में बहुत बड़ी उम्मीद की किरण नजर आई. वो था ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट के थ्रू हमने पता लगाया व्हाट आर द पीपल्स गोइंग ऑन, मतलब कितने लोग जो हैं पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं, कितने नेगेटिव्स आ रहे हैं. ये सब करने के बाद में उन्हें लोगों ने खुद को इस संक्रमण से बचने के लिए और इस फोबिया से निकालने के लिए सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए और हम उसमें सफल भी हुए, है ना. हम भी जानते हैं कि HIV के लिए भी कोई पॉजिटिव वैक्सीन हमारे पास में कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम उससे ओवरकम करके, ये भी एक तरीके का हम कह सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक अ महामारी, हम पैंडमिक का ही रूप दे सकते हैं इसे. सो इस चीज़ से उभरने के लिए हमने जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे उसी तरह के प्रोटोकॉल्स को, टेस्ट को, प्रोटेक्शंस को यहाँ पे फॉलो करना होगा, है ना, जिससे कि दिस वुड अप्लाई इन गुड मेजर टू कोविड-19. इससे हम लोग कोविड-19 से बचने के लिए कुछ अच्छे मेजर्स को फॉलो कर सकते हैं. अब इस जो कर्व को फ्लैटन करने के लिए एक क्लियर मैसेज जो वो ये है कि हमें हेल्थ को बचाना होगा, अपनी हेल्थ को सेफ रखना होगा एंड स्टेप्स टू हेल्प पीपल मेंटेन स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन. और सरकार को ये कदम उठाने होंगे जिससे कि लोग स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन को फॉलो करें, जिससे कि इकोनॉमिक, अच्छा, विदाउट सफरिंग इकोनॉमिक, ये भी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए सरकार की कि वो इस इकोनॉमिक लॉसेस के जो टाइम चल रहा है, अभी लॉकडाउन पीरियड जो चल रहा है जिसमें इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, तो सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जिसमें इकोनॉमिक लॉसेस को साथ में कैरी ऑन करते हुए हमें क्वारंटाइन के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा और लोगों में सोशल जो डिस्टेंसिंग या हम कह सकते हैं लॉकडाउन जैसा जो माहौल बन रखा है उसी को कैरी ऑन करते हुए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करना होगा एंड कैरी आउट द रेगुलर रेगुलर सर्विलेंस टेस्टिंग एंड सिम्टम मॉनिटरिंग, और सिम्टम्स को देखते हुए टेस्ट रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए, सिम्टम्स मॉनिटर होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर पैरेलली चलती है, जैसा कि ये आर्टिकल हमने पढ़ा, तो ये आर्टिकल पूरी तरीके से बेस्ड है टेस्टिंग पर, कि जितने पॉजिटिव टेस्टिंग होगी, जितना पॉजिटिवली सिम्टम्स कैरी आउट होंगे, तो उतना ही पॉजिटिवली लोग उसके लिए अवेयर होंगे, और ये काम लोग ही कर सकते हैं और सरकार कर सकती है। गवर्नमेंट हैव टू मेक इट पॉसिबल कि वो टेस्टिंग और सिम्टम्स जो मॉनिटर कर सकता है वो ईजी, बहुत वेल मैनर्ड वे में करे, और उसी के साथ में इकोनॉमिक लॉसेस से बचने के लिए जो मापदंड होते हैं उसे भी अपनाए, है ना। So it was the article that was based on economic losses and as well as states' appearance regarding test and symptoms monitoring. Okay. सो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है इकोनॉमी इन लॉकडाउन। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल ठप बैठ चुकी है ना। सो आफ्टर द इंडियन मॉनिटरी फंड ने एक रिवाइज प्रोजेक्शन जारी किया है, उसके बाद में इंडिया को ये ज़रूरत है कि वो इस वर्स्ट सिनेरियो से उभरने के लिए, या आने वाले टाइम में होने वाला जो वर्स्ट सिनेरियो होगा हमारा उसे उभरने के लिए कुछ प्लान्स को अडॉप्ट करे, है ना। सो less than 2 months after asserting that global growth appears to be bottoming out, global जो growth है वो बिल्कुल अपने low level पे चली गई है। 2 महीने के अंदर अंदर ही हम ये कह सकते हैं कि 2 महीने से कम टाइम में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ग्लोबली जो है हम बिल्कुल नीचे जा चुके हैं, हमारा जो ग्रोथ रेट थी वो बिल्कुल डाउन जा चुकी है। तो द पेंडेमिक इंड्यूस्ड ग्रेट लॉकडाउन हैज़ फोर्स्ड द IMF टू जंक ऑल इट्स प्रीवियस प्रोजेक्शंस फॉर इकोनॉमिक आउटपुट इन 2020 में जितने भी इकोनॉमिक आउटपुट्स या इकोनॉमिक हमने जो एस्पेक्ट्स क्रिएट किए थे जितनी भी कंट्रीज़ ने, या हम कह सकते हैं, हम तो इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडियन मॉनिटरी फंड ने जितने भी प्रोजेक्शंस प्रिपेयर किए थे या पहले जितने भी मापदंड लगाए गए थे, बनाए गए थे इकोनॉमिक बूस्टअप के लिए, इकोनॉमिक विकास के लिए, जो कि हर साल की शुरुआत में होते हैं, तो वो सारे जो हैं बिल्कुल इस ग्रेट लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल ज़ीरो पे जा चुके हैं, है ना। तो इस रियलिटी को अगर फेस करते हैं, शटडाउन्स की ये जो रियलिटी को देखते हैं हम, ऑफ ऑलमोस्ट एंटायर इकोनॉमीज़ वर्ल्ड वाइड, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी डाउनवर्ड गई है ना, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पूरी तरीके से नीचे जा चुकी है। सो द फंड लास्ट वीक एक्नॉलेज्ड that the current crisis is like no other। अभी जो क्राइसिस हम झेल रहे हैं, देख रहे हैं, उसको देखते हुए हम ये कहेंगे, और फंड्स जो हमारे पास में लास्ट वीक अवेलेबल रहे हैं उसके बेसिस पर हम आज तक की सबसे वर्स्ट कंडीशन को, सबसे बुरे समय को झेल रहे हैं, है ना। So, forecasting the sharpest contraction in world output since the Great Depression of the 1930s, the IMF slashed its projection by 6.3 percentage points from its January forecasting for 3.3% growth, okay, to a 3% decline। 3.3% ग्रोथ का हमने 3% डिक्लाइंड जो है परसेंटेज देखा है, प्रोजेक्शन देखा है। सो in contrast the recession of 2009 saw world out contract by a mere 0.1%। वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो रिसेशन कितना हुआ है 2019 को देखते हुए अगर हम बात करें तो 0.1% मुश्किल से हुआ है हमारा, है ना। So that the IMF was blindsided by the comment from Chinese authority। IMF जो है बिल्कुल Chinese authorities की तरफ से अगर हम बात करें तो उनके comments की अगर बात करें, comments from Chinese authorities के जो comments आए हैं उसके basis पर बिल्कुल blindside होकर IMF बात कर रहा है, या ये एक blindside है IMF का। So authorities and WHO is clear that from the fact that as recently as February 22 the fund chief, WHO के जो fund chief है क्रिस्टेलिना जॉर्जेवा, उनका statement रहा है, told कि G20 finance ministers that global growth would be about 0.1 percentage points lower। उनका ये कहना है कि जो G20 के जो फिनेंस मिनिस्टर्स हैं उनसे उन्होंने ये बात कही है कि ग्लोबल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो ये करीब 0.1% तक लोअर जा चुका है ना, इतना पॉइंट्स लोअर हो चुका है इसको। देन फोरकास्ट इन जनवरी, जो हमने जनवरी में फोरकास्ट किया था उसकी कंपैरिजन में अगर बात करें तो चाइना की जीडीपी जो है वुड एक्सपांड बाय 5.6% दिस ईयर। 5.6% तक एक्सपांड हुई है चाइना की जीडीपी, 0.4 परसेंटेज पॉइंट्स लोअर देन अज्यूम्ड इन चाइना की, जो हम कह सकते हैं उन्होंने जो अपना अज्यूम किया था एक्सपेंशन इकोनॉमी का, वो जो उनका जो प्रोजेक्ट, उनका जो सोच थी, उनकी जितनी उनकी विचारधारा थी, जैसे उन्होंने 6% तक लिया था तो 0.4 परसेंटेज स्लो डाउन हुआ है। अदर देन दिस 5.6% तक उन्होंने अपनी इकोनॉमी को एक्सपांड किया है ना। सो लास्ट वीक द IMF स्लैश्ड चाइनाज़ फोरकास्ट टू अ ग्रोथ ऑफ 1.2%। लास्ट वीक में चाइना की फोरकास्ट जो हुआ, चाइना का जो बताया गया था IMF द्वारा, तो वो 1.2% ग्रोथ हुआ था। तो अगर हम बात करें, देखिए ऑन एन एवरेज अगर हम इस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं तो ये कंटिन्यू डेटा अगर आप रीड आउट करेंगे यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग टूवर्ड्स एंड ऑल दी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वो मैक्सिमम लेवल पे अपने आप को रैम्प अप कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि बूस्टअप कर रहे हैं इकोनॉमिक लेवल पर। लेकिन इकोनॉमी जनरेट करने के चक्कर में कई सारे लॉसेज हमें इस पैंडमिक के कारण देखने को मिल रहे हैं, है ना। सो देखो ये एक यहाँ पे दे रखा है, jettisoning its storied fiscal conservatism, the fund's chief economist, हमारे फंड के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, has advocated ramping up the broad based and coordinated stimulus once the disease has been contained। एक बार ये disease अगर अपने चरम पे चला जाता है तो a measure that would help avoid the errors of the Great Depression year when premature efforts to prune budget deficit prolonged the डाउनटर्न। मतलब ये कह रहे हैं कि इनका ये कहना है गीता गोपीनाथ का कि देखिए अगर हम लोग एट प्रेजेंट जिस कंडीशन में हैं उसको ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज़ को बनाकर उन्हें फॉलो करते हैं, जिससे कि तो हम आने वाले जो चरम, ऐसा भी पॉइंट आ सकता है, एक चरम सीमा आ सकती है कि हम मैक्सिमम लेवल पर केसेस बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम अपने आप को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से उभार सकते हैं अगर हम एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो इंडिया के फिस्कल मेजर्स की अगर हम बात करें तो इट्स पेल इन टर्म्स ऑफ स्केल व्हेन कंपेयर्ड विथ व्हाट सेवरल अदर नेशंस हैव अंडरटेकन गिवन द साइज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया एज वेल एज द पार्टिसिपेटेड प्रोलोंग्ड डिस्ट्रप्शन इन लेबर सप्लाई इवन इन मोर फॉर्मल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी द सेंटर नीड्स टू प्रोएक्टिवली कमिट टू द सब्सटेंशियल स्टिमुलस पैकेज इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वंस द इकोनॉमी रीओपन It has the legs to run। अब सेंटर को ये डिसाइड करना होगा, ऐसी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना होगा कि इकोनॉमी को इस लेवल पर जाए, ऐसे पैकेजेस को जनरेट करना होगा कि जब एक बार लॉकडाउन खुले तो एटलीस्ट इकोनॉमी खुद अपने पैरों पर चलकर आगे बढ़ सके, मतलब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सके और इकोनॉमी खुद से अपने आप को इम्प्रूव कर सके। ऐसे पैकेजेस को अभी हमें फोकस करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू आर इकोनॉमिस्ट। तो ये जो आर्टिकल है ये हमने अभी देखा है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द इकोनॉमी इन लॉकडाउन। लॉकडाउन के अंदर हमारी इकोनॉमी के बारे में हमने बात की है। तो वो ये देखिए, ये हमने एक और आर्टिकल है यहाँ पे, कॉट इन द हाइटेंड आर्क ऑफ कम्युनल पॉलिमिक्स। अब देखिए इसके अंदर आपको एक डिस्कस किया है तबलीगी जमात को लेकर, इस इशू को डिस्कस किया है। इस इशू को लेकर हमने यहाँ पे बात की है कि दिस इज़ द टाइम जब हम, अभी हमने देखा है कि रिसेंटली हमने तबलीगी जमात वाले केसेस को देखा है कि काफ़ी सारे जमात के अंदर लोग इकट्ठे हुए और फिर पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अभी क्लियरली कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो उस बेसिस पर हम लोग इस केस को अदर सेक्टर्स में लेकर जा रहे हैं, अदर फील्ड में लेकर जा रहे हैं। तो ज़रूरत इस, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू अमरीन आगा, दिस इज सेड दैट हमें इस एट प्रेजेंट वी नीड टू फोकस ऑन what we are suffering with, that is pandemic fight। We don't have to go through other religious fights or some other types of fights, we have to go through just only on pandemic fight। We have to fight against pandemic, we don't have to fight against each other। So एक कोई भी एक issue को point out करते हुए हम ये सारी बातों को नहीं फोकस कर सकते हैं जो कि यूज़लेस हैं। अभी हमारे लिए जो यूज़फुल है या अभी हम कह सकते हैं जो हमारे लिए सेंट्रिक पॉइंट है वो है पेंडेमिक, और पेंडेमिक से लड़ने के लिए हमें जिन मापदंडों को अपनाना होगा हमें उनको फॉलो करना होगा। वी कांट गो थ्रू अ रिलीजियस फाइट। ओके, सो इसके अंदर इसी को बताया गया है। अब आप अगर इसको रीड आउट करते हैं तो ईजीली आप इसको समझ सकते हैं, है ना। देखिए, काफ़ी सारे पॉलिटिकल सेक्टर कह लूँ या अदर सेक्टर्स में भी इसे एक जो है बहुत बड़ा हथियार बनाया जा रहा है, जिससे कि लोगों के अंदर पता नहीं क्या क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है। तो इट इज़ ऑल अबाउट ऑल द रिलीजन्स, ऑल द पीपल दैट दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट आर द करंट सिनेरियो, व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो एंड व्हाट वी हैव टू टेक द स्टेप्स टुवर्ड्स दिस सिनेरियो। वी डोंट हैव टू गो टू क्रिएट एनी अदर न्यू एस्पेक्ट ऑफ ईच सिनेरियो। हमें एट प्रेजेंट ये एक नहीं करना है कि हम कुछ रिलीजियस पैंडमिक जो है क्रिएट कर लें। ऑलरेडी वी आर सफरिंग विद अ ह्यूज पैंडमिक रिगार्डिंग कोविड-19, है ना। Now the next article is a shot of hope with a game changing vaccine। अब क्या है ये, तो देखिए एक बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। मैं इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसे कि प्रताप थरियन और जैकब जॉन दोनों ने मिलकर एक इस आर्टिकल को जनरेट किया। उनकी दोनों की विचारधारा है अकॉर्डिंग टू दिस अ शॉट ऑफ होप विथ अ गेम चेंजिंग वैक्सीन। हमें एक वैक्सीन, देखिए हम जानते हैं कि अभी हमारे पास में कोई वैक्सीन नहीं है इसकी, और अभी आज से कुछ टाइम पहले हमें ये बात 2 decades पहले we'd gone through HIV also। सेम HIV वाली कंडीशन अभी आ गई है। HIV के टाइम पर भी यही सीनारियो हुआ था कि हमारे पास में कोई वैक्सीन नहीं है एंड इफ इट इज़ ट्रांसमिटिंग डिजीज़। सो हेयर वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट कि हमें क्या करना होगा। इनिशियल स्टेज लॉकडाउन के फेसेस में अगर हम बात करें तो कंटिन्यू जो है केसेस बढ़ते चले गए। हमने जब स्टार्ट किया था, हमारा जब स्टार्ट हुआ तो 36 केसेस से स्टार्ट आउट हुआ था, और फिर आज बढ़ते बढ़ते वो केसेस डायरेक्टली 20,000 जा चुके हैं, मतलब 10,000 प्लस हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वी हैव टू क्रिएट अ होप। उस होप को क्रिएट करने के लिए हमें एक नया वैक्सीन क्रिएट होगा, दैट इज सोशल वैक्सीन। और इस सोशल वैक्सीन को ही यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि सोशल वैक्सीन मतलब हमें सोशली एक वैक्सीन, खुद अपने आप में एक वैक्सीन क्रिएट करना होगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अपनी इस टाइम पीरियड को स्पेंड करना होगा। इवन आने वाले टाइम में भी इट इज़ अ लेसन फॉर अस, वी हैव टू गो थ्रू द सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल हम कह सकते हैं वैक्सीन। व्हाट इज़ सोशल वैक्सीन? तो देखिए, सोशल वैक्सीन इज़ जस्ट लाइक कि मैंने अभी आपको बताया कि सोशली आपको अवेयर होना पड़ेगा। वी हैव टू क्रिएट आवर ओन वैक्सीन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमने HIV के बारे में सुना और एक प्रोपोगेट हुआ वो चीज़ कि HIV है और ऐसा है वैसा है, कोई वैक्सीन नहीं है, एवरीवन कैन गेट अफेक्टेड एंड आप ट्रांसमिट होती है डिजीज़ एक से दूसरे में, इस तरह की बातें सुनी। तो हमने खुद से एक दायरा बना लिया, एक सोशल जो है वैक्सीन क्रिएट कर दिया हमने सोशली ही अपने आप में। तो हमारी सोसाइटी में हमने एक वैक्सीन क्रिएट कर दिया, इम्यूनिटी बूस्टअप कर दी। तो ये सारी चीज़ें हमने सोशल इम्यूनिटी को बूस्टअप किया। हमने अपने माइंड में ये एक बूस्टअप कर दिया, एक इम्यूनिटी कह सकते हैं उसको हमारे माइंड के लिए, कि वी डोंट हैव टू गो थ्रू सोशल समथिंग लाइक दैट। ओके, सो इस तरह की सोशल वैक्सीन हमें खुद जनरेट करनी होगी। तो इस लेसन से हमने लर्न किया है कि इस पैंडमिक से हमने लर्न किया है कि काफ़ी सारे इफेक्ट अभी हमें इस पैंडमिक से देखने को मिल रहे हैं। आगे भी ऐसे कोई पेंडेमिक क्रिएट होगा, तो इस तरह की चीज़ें जो हम लास्ट 2 decades से देख रहे हैं, वी हैव टू क्रिएट अ सोशल वैक्सीन। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट सोशल वैक्सीन एंड ये एक गेम चेंजिंग वैक्सीन के रूप में सामने आ सकता है। ये एक उम्मीद की किरण है हमारे लिए, जो एक गेम चेंजिंग वैक्सीन के रूप में हमारे सामने आ सकती है। और तो ये जो है, ये पूरा जो आर्टिकल है ये इसी के बारे में बताया गया है प्रताप और जैकब जॉन द्वारा कि हमें सोशल वैक्सीन को फॉलो करना होगा। अब ये आपको देखना है कि इस पूरे आर्टिकल को यू हैव टू रीड बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके इस आर्टिकल को आपको रीड करना है, इसके अंदर का डेटा रीड करना है और आप मुझे क्वेश्चंस पुटअप करेंगे तभी मैं इस चीज़ को समझ पाऊंगी कि आपने इस आर्टिकल को रीड किया है ना। और सोशल वैक्सीन क्या है इसके बारे में भी आप अपनी ओन लैंग्वेज में मुझे कमेंट सेक्शन में यू हैव टू राइट अबाउट इट एंड यू हैव टू लेट मी नो व्हाट इज सोशल वैक्सीन। ठीक है, तो ये हमने आज जो इस एडिटोरियल सेक्शन के चारों आर्टिकल्स को डिस्कस किया है और उम्मीद करती हूँ, और जो चीज़ें हम बहुत वाइडली पढ़ नहीं पाए जैसे कि ये कम्युनल पॉलेमिक्स वाला सेक्शन था, तो आप इसको बिल्कुल रीड आउट करेंगे। इसीलिए मैंने स्लाइटली डिस्कस किया है कि इस डिस्कशन के थ्रू आप एक आइडिया लग जाएगा आपको कि हमें क्या पर्सपेक्टिव दे रखा है इसके अंदर, और उस बेसिस पे आपको उसे रीड करना है ना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, दिस वाज आयुषी जोशी एंड this was me on the channel of Achieve IAS. Have a great day, continue learning and लॉकडाउन के दौरान भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है आज से एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है, आज से गाइडलाइंस जो है, गाइडलाइंस के बेसिस पे, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और मेजर्स के बेसिस पर हम लोग लॉकडाउन को पार्शियली कुछ एरियाज़ के अंदर पार्शियली बहुत माइनर लेवल पर इसे ओपन किया जा रहा है। तो उसके बेसिस पर मैं चाहती हूँ और मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। यू आर गोइंग टू फॉलो गवर्नमेंट नॉर्म्स and you are proving that you are the actual सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड जो एक्चुअल सिटीजन, वही सिर्फ आधार कार्ड होने से या आइडेंटिटी होने से आप एक्चुअल सिटीजन्स नहीं होते हैं। एक्चुअल सिटीजन एक रियल इंडियन वही होगा जो अपने देश को बचाने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाएगा, और उस कदम को बढ़ाने के लिए हमें सरकार के साथ चलना होगा, तो उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा जो सरकार ने हमें दी है। तो वही अब ये भी एक डाउट है कि भाई क्या गाइडलाइंस होगी और क्या होगी, तो वो कुछ ही देर में हमारे इस चैनल पर जो है पब्लिश कर दी जाएगी। मेरा ही एक वीडियो है जिसे मैं पब्लिश किया जाएगा, मैं पब्लिश करूंगी आपको, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है सारी गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है कि कौन बाहर जा सकता है, कौन वर्क कंटिन्यू कर सकता है, कौन से डिपार्टमेंट्स काम करेंगे, कौन से एरियाज़ वर्क करेंगे, गवर्नमेंट ने किस किस को रिलैक्सेशन दिया है, किसको नहीं दिया है, कौन से सेक्टर्स या हॉटस्पॉट्स किस सेक्टर में आते हैं उनको रिलैक्सेशन है या नहीं। ये पूरी गाइडलाइन जो जारी की गई है सरकार द्वारा, उसके बारे में मैंने एक वीडियो जारी किया है जो कि कुछ ही देर में आपके सामने इस चैनल पे आ जाएगा, है ना। सो बी विथ अस, दिस वाज आयुषी जोशी एंड कीप लर्निंग, बी सेफ, स्टे at home. Bye bye, take care, have a nice day.